उमड़ेगा जनसैलाब, सद्भावना रैली लिखेगी इतिहास, बलजीत मलिक। हमेशा सद्भावना का संदेश देने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 6 जनवरी 2024 को मेवात की सियासी राजधानी नगीना में सद्भावना रैली करने जा रहे हैं। बुधवार को 4 घंटे की मशक्कत के बाद रैली की तारीख का ऐलान पीए प्रोफेसर बलजीत मलिक ने जिले भर के भाजपा नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और गणमान्य जनों से बातचीत के बाद लिया। इससे पहले नवंबर में सद्भावना रैली होनी थी, जिसका विरोध सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया था। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पर्सनल असिस्टेंट बलजीत मलिक ने बताया कि मेवात के लोगों का प्यार राव साहब के परिवार से सदियों पुराना है। उन्हें लोग दिल और जान से चाहते हैं। लोगों की तरफ से तारीख नवंबर में ली गई थी, लेकिन किसी कारणवश रद्द कर दिया गया। मेवात में हिंसा के बाद मनमुटाव की स्थिति आई थी, जिसे दूर कर लिया गया। इसलिए सद्भावना रैली के जरिए लोगों के प्यार, प्रेम और इंसानियत की मिसाल जिंदा है। उन्होंने बताया कि नववर्ष में 6 जनवरी को नगीना की अशोका वाटिका में सद्भावना रैली का आयोजन की तारीख तय कर दी गई है। सद्भावना रैली को सफल बनाने के लिए दर्जनों भाजपा नेताओं व मौजूद जनों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले भर के नेता बैठक में बड़कली चौक पर उपस्थित हुए हैं। साकरस के पूर्व सरपंच फजरुद्दीन बेसर ने कहा कि भारी जनसैलाब उमड़ेगा और सद्भावना रैली इतिहास लिखेगी। राव साहब का प्यार हमेशा से मेवातियों के साथ रहा है। उनके पिताजी राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। गुरुग्राम से लगातार 3 बार राव साहब सांसद एवं मंत्री बनकर इलाके की लोगों की समस्याओं का समाधान करने में आगे रहे। हमने देखा कि हिंसा के बाद मेवात के लोगों पर पुलिसिया अत्याचार हुआ, जिसे राव साहब ने रुकवाया। वो जानते हैं कि ये इलाका दंगाइयों का नहीं, यहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। पूर्व प्रत्याशी चौधरी आलम मुंडल ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह 6 तारीख को सद्भावना रैली करेंगे। इसी सिलसिले में मेरे आवास पर बैठक हुई है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष नुह नरेंद्र पटेल, जिला भाजपा महामंत्री शिव कुमार आर्य, मंडल महामंत्री तुलाराम सेनी, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, जिला पार्षद योगेश तवर, युवा भाजपा नेता मुनीस फौजी, वरिष्ठ समाज सेवी सरपंच फजरुद्दीन बेसर साकरस, पूर्व प्रत्याशी आलम मुंडल, भाजपा नेत्री ताहिरा अजमत, युवा भाजपा नेता योगेश गोयल, सलीम सरपंच लोहिंगा कला, प्रोफेसर करम इलाई, मंडल अध्यक्ष नंदलाल प्रजापति, जिलाध्यक्ष बीरबल भारद्वाज, बूथ अध्यक्ष वकील बागोरिया साकिर नीमखेड़ा, पूर्व सदस्य समीम अहमद, शिक्षाविद राजुद्दीन घासगस, पूर्व अध्यक्ष मजीद, भाजपा नेता जफरुद्दीन समेत सैकड़ों मौजूद लोग मौजूद रहे। आज बड़कली चौक पर जो है कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई गई है, क्या मकसद था मीटिंग बुलाने का, क्या दिशा निर्देश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए? हमारे यहाँ पे मेवात के अंदर और ख़ासकर इस एरिए में बहुत सारे बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है, और उन्होंने राव साहब से यहाँ आने का और एक प्रोग्राम देने का उन्होंने प्रार्थना करी थी, तो उसकी समीक्षा के लिए मैं यहाँ आया था। क्योंकि पीछे हमारा ये प्रोग्राम तय हो गया था, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण अचानक कोई मौत हुई, उसके कारण ये पोस्टपोन हुआ था। तो हम आज उस पर पुनः एक बार फिर विचार करने के लिए आए थे, क्योंकि ये बहुत सारे साथी हमारे इतने मजबूत हैं, वो उत्साहित हैं, चुनाव भी नज़दीक हैं, और के वी राव साहब हमारे पास एक बार एक प्रोग्राम दें, तो उसके लिए हमने आज अपनी बैठ के यहाँ पे डिस्कस किया। रखा गया सर, कब, क्या तारीख? 6 तारीख शनिवार का दिन पड़ेगा, जनवरी का, और समय रहेगा 11 बजे का, और यहाँ पे अशोक वाटिका है, उसमें ये प्रोग्राम होगा। तो रैली का कोई नाम रखा है? सद्भावना समारोह उसका नाम दिया गया, सभी भाइयों की सहमति से, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सालों से, राव साहब ने पीछे भी एक बात कही थी कि मैं जब से राजनीति में आया हूँ या जब से मैंने उस संभाला है, हम पूरे मेवात के अंदर बहुत अच्छा माहौल देखा हमने। अचानक कैसे क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उस बीच में राव साहब ने आकर के सभी भाइयों को आपस में बिठा करके एक सद्भावना बनाई, और आपस में आज आप देख ही रहे हो कि यहाँ बहुत अच्छा प्यार प्रेम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब एक साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, और सब ये लालायित है कि राव साहब कब आए। उसके लिए हमने फिर इन्होंने उसका नाम यही रख दिया कि सद्भावना समारोह। ये नगीना में होगी? ये बड़कली चौक पे होगी।
बड़कली चौक पर जो अशोक वाटिका है वहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया। मिस्टर साहब, बड़कली चौक पर एक मीटिंग बुलाई गई है, मेन मकसद क्या था मीटिंग का और क्या रणनीति जो बनाई गई है? देखिए, ये कार्यक्रम पहले 2 महीने पहले होना था, लेकिन केंद्रीय मंत्री रविंदरजीत सिंह के परिवार में एक दुख भरी घटना हो गई थी, उनकी वजह से वो कार्यक्रम उस वक्त स्थगित कर दिया गया था। तब भी कार्यकर्ताओं की मांग पर और इलाके की भावनाओं को देखते हुए राव साहब ने हमें टाइम दिया था और नगीना में हमने कार्यक्रम रखा था। अब 6 जनवरी के लिए ये समय तय किया गया है, यहाँ अशोक वाटिका है नगीना में, और लोगों में भारी उत्साह है और लोगों ने आज भी जनाब मलिक साहब आए, बलजीत मलिक साहब उनके पीए हैं, तो वो आए हैं यहाँ पर और उन्होंने मीटिंग ली, तो कार्यकर्ता में उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले होती रही है इसी तरह की ये रैली बहुत कामयाब होगी और इससे बड़ी होगी और लोगों में जोश है, क्योंकि राव साहब का बड़े नाजुक मौक़ों पर और जब भी इलाके को जरूरत पड़ी है उनके उन्होंने पूरा योगदान दिया है और हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ जुड़े रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में जो अगले साल, क्योंकि अब तो अगले साल चुनावों का साल शुरू हो रहा है, उसमें लोग चुनावों का इंतज़ार कर रहे हैं और शायद लोग जो है ना, जो जिन लोगों ने पहले कभी नहीं दी थी वो भी राव साहब के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक सर्वमान्य नेता हैं, वो ऐसे नेता हैं जो हर दिल में बसते हैं, हर एक की भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने हमारे सबकी भावनाओं को समझा और लोगों ने जो लोग कुछ पहले उनको नहीं समझ पाए थे उन लोगों ने भी अब समझा है और ये माना है कि मेवात के हित की और हमारे हित की सबकी इसी में भलाई है, उनसे बढ़िया नेता हमारे पास नहीं है। और वो उसी बात में को जो अपनी बात को जो है ना साबित करने के लिए चुनाव से पहले ही उनके साथ जो इस भीड़ के साथ, भारी भीड़ के साथ यहाँ कार्यक्रम आएंगे। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव है और मंत्री जी का एक बयान भी हिंसा के दौरान वायरल हुआ था, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, बयान जो था वो तो वो हकीकत पर सच पर आधारित था वो, क्योंकि वो उनकी अपनी नीयत रही है कि वो हमेशा हक का और सच का साथ दें, और वो फिर बाद में जो है आपने देखा कि वो बातें कई जो क्या नाम है माध्यमों से भी ये बात सच हुई कि जो उन्होंने उनका जो स्टैंड था वो सही था। प्रमुख साहब, आज कार्यकर्ता मीटिंग रविंदर जी सिंह के जो पीए हैं बलजीत जी वो आए हैं, तो किस तरह की आप मीटिंग अरेंज की गई, क्या मशवरा हुआ? असल में ये मीटिंग कुछ दिन पहले भी हुई ही, तो मंत्री जी सुहीन लोग बाग बड़ा खुश हैं, वहाँ का काम देख के बड़ा खुश हैं, तो सब ने मशवरा करो कि भाई मंत्री जी बुला लिया। तो पिछली बार जो कोई कारण से 1-2 दिन पहले वो इससे कर दी गई, अब दोबारा सो हमने मंत्री जी से जब मिला, हमने कही मंत्री जी हम लोग टाइम दे और लोग बाग आप से बड़ा खुश हैं और आपका काम से बड़ा खुश हैं, तो हम लोग एक टाइम दे बड़कली पे। तो आज हमारे मलिक साहब जो आपको पीओ है वो आने भेजो है और हमने ही सारे कार्यकर्ता बड़ा जोश में मीटिंग हुई है, सारा जिम्मेदार आदमी इकट्ठा हो गए, हमने टाइम तय करो है 6 जनवरी को और हमें उम्मीद है कि हम यह रैली इतनी ज़बरदस्त करूँगा कि आपको एक रिकॉर्ड तोड़ रैली करूँगा, कि पब्लिक में जोश है, पब्लिक राजी है राव साहब से। और जो लोग बाग कहते हैं ना कि भाई ये मुसलमान वोट नहीं देते, आपके मैं कह रहा हूँ पब्लिक का और अपना हल्का का जो हालात देख के नहीं, अब हर आदमी ने मन बना लियो अब हमने वोट राव इंद्रजीत को देने की, वहाँ के अंदर कई खूबियाँ, कभी भी कोई भी आदमी जाएगा वहाँ को दरवाजा 24 घंटा खुला रहे, कोई पैसा का दाग नहीं। अब मलिक साहब हीन आए हो तो हर आदमी की समय से सुनिए, एक आध 20 आदमी का फ़ोन तो अब कर दिया, हमारे ही का जो जिनने ठेका दे रखा, हाँ जो कुछ आदमी जैसे बिन जा रहा है, कभी डेरा हूँ गिर दिया, कभी डेरा हूँ गिर दिया, जिन्हें टेंडर ले रखो है ना जी, उनका हालात देख के तो हम लोग कोई चारा ना रहा, हमने एक राव साहब ऐसा आदमी मिलो है जो हमारी सुने हैं और जो हमारा काम न करे, और इन पे हमने कोई भरोसा ना भाई, जो हमारे मेवात का जो लीडर हैं ये बिल्कुल मक्कार हैं, झूठ बोलते दोनों रात दिन, और पब्लिक बड़ी खुश है, हम धुआंधार सुराव साहब ही सुजीता को भेजेंगे
हमें उम्मीद है पहले राव साहब पौने 3 लाख से 3 लाख जीतो, अब अगर राव साहब हम 6 लाख से 6.5 लाख से जीता कर ना भेजा तो यार मेरी बात याद रखो। अक मंडल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सब भाई 9 जिले से कितनी वोट मिल सके, 9 जिला से आपको 3 हिस्सा फालतू, 3 हिस्सा फालतू, 9 जिला से 3 हिस्सा फालतू वोट जाएंगे आपके, ऐलान दे के कह रहा हूँ। और कैंडिडेट होना आज मुकाबला पर राव साहब का पे, यह बात नोट कर लीजिए मेरी।